अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने वर्तमान हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से आह्वान किया है कि ये समय सजग और जागरूक रहने का है और कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते परिस्थितियां बहुत पैनी और गंभीर हुई हैं और लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। रामलाल ठाकुर ने जहां पर कोविड-19 के केस देश में 3 लाख प्रतिदिन हो चुके हैं, वहीं मृत्यु दर भी बढ़ी है, तो ऐसे में एहतियात बरतना बड़े ही आवश्यक है और लोगों को इस परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और घर से बहुत कम बाहर निकलना होगा। यदि बहुत आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक की जान अमूल्य है और कोविड-19 की वजह से यदि प्रदेश में किसी की मृत्यु होती है तो उनको निजी तौर पर दुख होता है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश सरकार को सलाह देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अमले को ज्यादा दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि कोविड-19 के इस बीमारी से युद्ध स्तर पर लड़ा जा सके, नहीं तो हालत और खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से जहां लोगों की परेशानी बढ़ेगी, वहीं भुखमरी जैसी स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में स्थितियों में सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए सरकार और समाज को अपनी सहभागिता निभानी होगी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में चौपालों और छोटे कस्बों और दुकानों में सैनिटाइजेशन करवाई गई थी और अब भी इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऐसी हालत में उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक की जान बचाने में अपनी सहभागिता निभानी है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि ये ऐसे में प्रदेश या श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी नागरिक को उनकी सहायता की आवश्यकता होती है तो वे उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन लोगों को सामाजिक दूरी, मास्क और चिकित्सकों की सलाह पर वैक्सीनेशन अवश्य करवानी होगी और कम से कम घर से बाहर निकलना होगा। और लोगों को वे यही सलाह देते हैं कि लोग सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। कोविड-19 अब ज्यादा खतरनाक दौर से समाज में जो है वो एक तबाही की ओर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। कोविड-19 पिछली बार भी हुआ, उसमें भी मैं कहूँगा कि जो आदेश थे और जो इस प्रकार से इससे निपटने के लिए सबको कार्य करना था, सामाजिक तौर पे भी और सरकार की ओर से भी कार्यक्रम चला, लेकिन उसके बाद अब जो नया रूप आया है वो शायद मैं कहूँगा ज़्यादा खतरनाक है। मुल्क में 3.5 लाख जो है वो मरीज प्रतिदिन नए मरीज आ रहे हैं और ऐसे ही जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पूरे मुल्क में कई जानों को ले जा रही है और इस प्रकार से एक पैनिक फैला हुआ है, इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया करके सभी को जो है वो संयम बरतना चाहिए और उत्साह से इस बीमारी का सबको सामना करना चाहिए। सरकार भी अपना कर्तव्य निभाए और ज्यादा सजग होके जो स्वास्थ्य विभाग में कहीं पे कमी लगती है उसको भी ठीक करना चाहिए। और सभी लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो दूरियाँ समाज में बनाई जाती हैं या बन रही हैं धार्मिक आधार पे, जातिवाद के आधार पे, शायद मैं कहूँगा कि इन सब से दूर करके जो है वो हमको आगे कदम बढ़ाने हैं। लोगों से भी मेरा निवेदन है कि वो जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखें, मास्क लगाएं और हैंड सैनिटाइजर हाथ धो के जो है वो बार बार लगाएं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने सामाजिक कार्यक्रमों में और धार्मिक कार्यक्रमों में जो आदेश दिए हैं हम लोग उसका भी पालन करें, क्योंकि इस प्रकार की अगर मान लो हम मास्क नहीं लगाएंगे, जो दूरी है उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो उससे ये है कि जो बीमारी है ये और भी ज़्यादा खतरनाक रूप जो है वो धारण कर सकती है। अब 18 वर्ष तक के व्यक्ति को जो है वो आज इसका इंजेक्शन जो है वो लगाया जा रहा है और मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें कोई जो है वो भूल भी नहीं करनी चाहिए और मैं
ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि जब तक हम अपने पड़ोसी को नहीं बचाएंगे, अगर मान लो मेरे पड़ोस में मुस्लिम परिवार है या किसी दूसरी जाति का परिवार है, अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो मेरा परिवार भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आज की तारीख में ना हमने राजनीतिक तौर पे एक दूसरे को जो है वो बांटने देना है, और ना हमने कहीं पे समाज को धार्मिक और ये जो हमारे जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है उसको छोड़ना होगा। अगर इसको हम नहीं छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा खतरा जो है वो इस समाज में और ज्यादा हम पैदा कर रहे हैं। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज सबको इकट्ठे होकर चलने की जरूरत है, और आज इस बीमारी का सामना करने के लिए जो व्यक्तिगत तौर पे लोगों से बन सकता है हम भी करें, सरकार भी करें। और ये नहीं कि हम ये कहें कि सरकार का ही काम है, सरकार को ही हम कोसते रहेंगे। सरकार अपना काम करें, कोई गलती ना करें, कहीं पे कोई इस प्रकार की जो है वो कोताही ना करें। अधिकारी जो है वो अपनी सीमाओं में रह के काम करें, और सबको एक ही काम करना चाहिए कि सरकार को भी ईमानदारी से काम करना है, और उसमें सारे जितने हमारे साथी हैं, पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं या सामाजिक तौर पे जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करके जो है एक ही काम करना चाहिए, ताकि इस महामारी का जो है ना सामना हम उत्साह से कर पाए, और हमारा जो डे टू डे जो काम है उसमें हम कहीं पे कोई कमी ना आने दे जिससे हमारे लोगों को और ज्यादा नुकसान हो।